अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पे जम जाती है? What? बोल क्या मतलब? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि चूल्हा लाओ और पका कर दिखाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पानी में डाल के ना उबाले तो फिर वो जम ही जाता है। टाइम दे रहे हो? चलो उस वक्त तक इसकी इंटरव्यू कर ले फिर मैं। पढ़ने के दिन होते लेकिन वाह जो होता है 40 दिन के बाद हमारे स्कूल की रूल देखो 40 दिन बाद एग्जिट हो जाती है। वाह क्या सीन है। साल में एक दफा इस तरह आ जाती है। कौन सा स्कूल है? मैं भी जाना चाहती हूं। ये दानिश स्कूल है। सच बोलो। अभी कह रहा सुन भी नहीं रहा। कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़हर नक़वी और आप देख रहे हैं SNN डिजिटल। नाज़रीन आज मैं आवाम से सवाल पूछूंगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है, तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियासुद्दीन। क्या करते हो रियाज? मैं पढ़ता हूँ दानिश स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? अभी न्यू फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में आयो तो स्कूल में थोड़ी हो, कॉलेज में हो? मैं कॉलेज में हूँ लेकिन अभी तो उसको ना वैसे बेसिक स्कूल के नाम से याद कर लेता हूं। तो कहां के रहने वाले हो? मैं तो KPK का रहने वाला हूँ। यहाँ पर क्या करने आए हो? घूमने आए? वैसे घूमने आए थे, दोस्त के पास आए थे, यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ हुई थी। अच्छा, घूम लिए? हाँ घूम लिया है। अच्छा खाना, मुझे एक सवाल का जवाब देना है। कौन सा सवाल? पहले मुझे बताओ कॉमन सेंस कितनी है? कॉमन सेंस? हाँ। इसका तो पता भी चल जाएगा ना कि सवाल के बाद। लेकिन फिर भी बताओ ना, 100 में से कितनी परसेंट है तुम्हें? 100 में से 50 कर ले। 50? तो 50 कहाँ गई? 50 कहाँ गई? अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पे जम जाती है? अंडा है। What? कैसे? अंडा बस गर्म करने से जम जाता है। कैसे गर्म करने से? तरीका तो बताओ। तरीका अभी किस तरह बताओ, इधर कोई क्वेश्चन थोड़ी। बोल के? बोल क्या मतलब? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि चूल्हा लाओ और पका कर दिखाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गरम में से पानी में डाल के ना उबाले तो फिर वो जम ही जाता है। पहले मतलब लीकर पान में होता है, जब हम उसको पका लेते फिर वो गरम हो जाता है। बात है, यही जवाब है बस मेरे जहन में तो यही जवाब है। अच्छा, मैं अगर कहूँ ये जवाब नहीं है, यही जवाब फिर कोई और जवाब होगा इसका। अच्छा खान, कोई सॉन्ग या कोई शेर व शायरी आती है? गाना सुना। वैसे शेर तो आते हैं ना, भी जेन में नहीं आ रहा। सोच लो, टाइम दे रही हूँ तुम्हें मैं। टाइम दे रही हूँ? चलो उस वक्त तक इसकी इंटरव्यू कर ले फिर मैं। इधर ही सुना के गाना सुना दो कोई। क्यों गाना दिया माँ? क्यों गाना दिया माँ? खैबर पख्तूनख्वा का कोई गाना सुना दो। कुछ तो का मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तप जन मख्ताद लसरुबो खाल नगदे, तप जन मख्ताद लसरुबो खाल नगदे, स्तूरी बारा कता कम आसमान बदर लरावलम, स्तूरी बारा कता कम आसमान बदर लरावलम, यजड़ल गसावाख लजानान बदर लरावलम, यजलल गसावाख लजानान बदर लरावलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असदुद्दीन। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, मैं भी दानिश में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये दो सारे दोस्त इकट्ठे हैं? ये मेरा कजन था पहले वाला। एक कजन भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ उधर बस एक भाई भी है, दो भाई और भी साथ पढ़ते। अच्छा, हाँ। गैंग आया है लाहौर। हाँ बस उधर स्कूल से छुट्टियाँ हो गई जैसे, तो हम ये किस टाइम की छुट्टियाँ हुई हैं? ये तो पढ़ने के दिन है। पढ़ने के दिन होते लेकिन वहाँ जो होता है 40 दिन के बाद हमारे स्कूल की रूल देखो 40 दिन बाद एग्जिट हो जाती है। वाह क्या सीन है। तकरीबन मतलब हर दो महीने बाद छुट्टियाँ आ जाती है? हाँ ये साल में एक दफा इस तरह आ जाती है। कौन सा स्कूल है? मैं भी जाना चाहती हूं। ये दानिश स्कूल है। सच बोलो। अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? ये अंडा है ना। कैसे? अंडा, अंडे को जम। तुमने जवाब सुन लिया था? नहीं सुन लिया नहीं था, मुझे पहले से मैंने आवाज लगाई उसको। अंडा इस तरह जम जाता है ना कि मतलब पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में होता ना अंदर। अच्छा।
लेकिन जब हम पानी में डाले तो उबल जाता है और गर्म जाता है तो अगर फ्राई करोगे तब भी वो जम जाएगा। लेकिन पर आपने कहा जम मतलब जम जाता है फ्राई करने में भी, लेकिन वो तो खुल जाता है ना। वो मुझे अपने घर जाना है। अपने छिलकों के अंदर अच्छा, वो। चलो एक और सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ साल के वो कौन से महीने हैं जिसमें 28 दिन आते हैं? 28 दिन बताओ, आप फंस गए हो? इस तरह 30 दिन सितंबर के, बाकी सब नवंबर के। इस तरह नवंबर के बाद दिसंबर आता है? हाँ दिसंबर तो आ गया। दिसंबर में होते 28 दिन? इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक का तो नाम ले लो। चलो दिसंबर। नंबर दिसंबर के 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं। चलो फिर गजब बेइज्जती है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो फिर इंटरव्यू कैसे दोगे? अभी कह रहा सुन भी नहीं रहा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा तो फिर जवाब कैसे दिया जब आवाज ही नहीं आ रही? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि एक सवाल पूछूंगी इसका जवाब देना। दोगे कैसे जवाब जब आएगा ही नहीं? तो अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? कुछ भी। जवाब नहीं आ रहा, समझ नहीं आई। अगला सवाल, अगला सवाल। तो पहले का तो जवाब दे दो। अच्छा मुझे बताओ साल के वो कौन से महीने हैं जिसमें 28 दिन आते हैं? मान जाने बातें कर रहा लड़का ये। क्या था? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी तो तुम खड़े भी सही नहीं थे, अब तुम सीधा खड़े हो। नहीं अभी तुम सीधा खड़े हुए थे। अच्छा मेरी बात तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी, जवाब तुम पूरे दे रहे हो। जी तो नाज़रीन मेरा आज का सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है, तो इसका जवाब था अंडा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए सबसे अल्लाह हाफ़िज़।